अवर भीगन गांव से इंदौर लोकायुक्त टीम ने नगर परिषद प्रभारी सीएमओ और सहायक राजस्व निरीक्षक को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। नगर परिषद के अनुपयोगी सामान यानी कि स्क्रैप 2,50,000 की नीलामी में शाबिर खिलजी से मांगी थी 3,00,000 की रिश्वत। नगर परिषद के अनुपयोगी सामान 2,50,000 की नीलामी में शाबिर खिलजी से मांगी थी 30,000 की रिश्वत। लोकायुक्त इंदौर की टीम ने आज फरियादी शाबिर खिलजी की शिकायत पर भीगनगांव नगर परिषद के प्रभारी सीएमओ मनोज गंगराडे और सहायक राजस्व निरीक्षक नीरज रावत को 12,000 की रिश्वत लेते रंगों हाथ पकड़ा। लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह बंधेल ने बताया कि फरियादी ने दिनांक 15/7/2021 को शिकायत की थी। उसने नगर परिषद से 2,50,000 रुपये का स्क्रैप नीलामी में खरीदा था। सामान उठाने के लिए नीलाम राशि 2,50,000 के अतिरिक्त 30,000 रुपए की मांग दोनों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन 15,000 लेनदेन की सहमति बनी और आज 12,000 की रिश्वत लेते दोनों को गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। ये नगर परिषद भीकन गांव में स्क्रैप के लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला था दिसंबर 2020 में। उसमें बहुत सारे वेंडर्स ने जो है यहाँ से स्क्रैप खरीदा था। इन्हीं वेंडरों में से एक जो है यहाँ सब्बीर खिलजी थे। तो इन्होंने जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर जो है 15 तारीख को थर्सडे के दिन शिकायत करी थी कि ये नगर परिषद के सीएमओ और उनका स्टोर कीपर जो उन्होंने स्क्रैप खरीदा है जिस जो लगभग 2,00,000 रुपए से कुछ अधिक की कीमत का था उसके लिए कमीशन में 30,000 रुपये मांग रहे हैं। तो फ्राइडे 16 जुलाई को जो है इसकी रिकॉर्डिंग कराई गई थी। तो उसमें सीएमओ जो है गंगराडे और जो स्टोर कीपर है रावत दोनों जो है रिश्वत जो की राशि मांगते हुए पाए गए थे। इन्होंने डिमांड करी थी, फिर जो इनका लेन देन 15,000 रुपये में तक आया और उसके बाद 12,000 रुपये में फाइनल तय हुआ। आज जो है उसी के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ट्रैप टीम का गठन किया गया था और अभी लगभग 12 बजे इनको रिश्वत लेते हुए इनके चैम्बर में सीएमओ मनोज गंगराडे और रावत दोनों को जो है रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। अभी हम लोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत इनके दोनों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। सर आगे किस तरह की कार्रवाई इसमें जारी रहेगी दोनों की? जो धारा 7 के प्रावधान है उसके अंतर्गत अभी विवेचना होगी और फिर जो है इन पे जो भी जो चार्जेस होंगे वो लगा के चालान पेश किया जाएगा न्यायालय में। खबर भारतवर्ष के लिए भीकनगांव से विकास श्रीवास की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हां बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।